Now today we'll discuss about multiplexer. Now, so basically multiplexer, when we discuss the multiplexer, then it is also a combinational circuit. You know, multiplexer is also a combinational circuit. So before discussion of decoder and encoder, you know, we just discuss first multiplexer and demultiplexer, because the same scenario we discuss when we discuss the decoder and encoder, but here directly the inputs and outputs relationship is there. In multiplexer there is some concept of select signal, on the basis of which the total number of input combination we have. There is a concept of enable and disable switch also when we use the multiplexer. तो मल्टीप्लेक्सर जब यूज करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेलेक्ट सिग्नल्स, यानी जो आपका सेलेक्ट सिग्नल्स है उसके बेसिस पर नंबर ऑफ इनपुट चैनल होगा, यानी कि इनपुट चैनल कितना नंबर ऑफ इनपुट चैनल होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सेलेक्ट सिग्नल, एंड आउटपुट रिमेन सिंगल, यानी कि आउटपुट हमेशा सिंगल होगा, ठीक है ना. इनपुट में भी मोर देन, इनपुट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सेलेक्ट सिग्नल, बट योर आउटपुट रिमेन वन इन ऑल केसेस. तो जो भी हमारा मल्टीप्लेक्सर का नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट सिग्नल होगा, यानी सेलेक्ट सिग्नल आपका जो है, अगर हमारा सेलेक्ट सिग्नल, ठीक है ना, सेलेक्ट सिग्नल्स इज वन ऑफ द पर्टिकुलर इनपुट, तो सेलेक्ट सिग्नल्स अगर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल इनपुट, यानी कि अगर सेलेक्ट अगर एस से रिप्रेजेंट हो रहा है और देर इज सिंगल इनपुट, सिंगल दैट मीन्स कि अगर एस वन है तो एस अगर सिंगल है दैट मीन्स एस इज रिप्रेजेंटेड बाई जीरो, अगर दो है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस जीरो एस वन, अगर तीन है तो एस जीरो एस वन एस टू, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर वन टू एंड थ्री सेलेक्ट सिग्नल्स. नाउ सिमिलरली फोर फाइव सिक्स, तो सेलेक्ट सिग्नल्स अगर वन है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो हम लॉजिक गेट में ट्रूथ टेबल बनाते थे, बिकॉज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज द लॉजिक गेट्स टू डिजाइन द सर्किट, तो हियर आल्सो द लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड. तो एस जीरो एस जीरो एस वन एस ऑल आर द पर्टिकुलर सेलेक्ट सिग्नल, नेमिंग कन्वेंशन यूज फॉर सेलेक्ट सिग्नल. तो सेलेक्ट सिग्नल अगर आपका वन है दैट मीन्स कि नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है ना, correlate with the particular number of input is 2 to the power number of select signal, ठीक है ना. तो अगर number of select signal को represent करेंगे हम, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, तो s0 s1 2, that is the select signal. अगर n का value 1 है that is 2 to the power 1, दैट इज टू नंबर ऑफ इनपुट होगा, कब, जब एन इक्वल टू वन होगा, यानी कि जब सेलेक्ट नंबर सेलेक्ट सिग्नल सेलेक्टेड इनपुट हमारा दो होगा तो उस केस में हमारा जो है नंबर ऑफ इनपुट कितना हो जाएगा, दैट इज टू टू पावर टू, दैट इज फोर. जब एन इज इक्वल टू थ्री होगा तो नंबर ऑफ हमारा इनपुट चैनल कितना हो जाएगा, एट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो इनपुट तो हो गया, नाउ वी थिंक अबाउट द आउटपुट. तो आउटपुट रिमेन सेम, आउटपुट हमारा यूनिफॉर्म होगा, हमेशा यूनिक होगा, एंड दैट इज वन आउटपुट, हमेशा वन आउटपुट होगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेमिंग कन्वेंशन इज गिवन टू द पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर. तो नेमिंग कन्वेंशन जो आपका होगा वो वन सेलेक्ट इनपुट है, अगर वन इनपुट चैनल है तो टू इज द इनपुट एंड वन इज द आउटपुट. तो टू बाई वन, फोर बाई वन, ठीक है ना, एट बाई वन, सिमिलरली वी हैव 16 by 1, this is the name of multiplexer, ठीक है ना. तो 2 by 1, that means 2 is what? तो यहाँ पर हम लोग जो combination ले रहे हैं वो combination actually
this combination is for input into output. ठीक है, तो जो नेमिंग कन्वेंशन जो होगा 2x1 mux मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज mux. ठीक है, तो 2x1 mux यानी 2 इनपुट चैनल 1 आउटपुट चैनल, 4x1 mux 4 इनपुट चैनल 1 आउटपुट चैनल, 8x1 16x1 mux. तो इनपुट इनटू आउटपुट, दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन यूज हियर. तो इनपुट के लिए हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, जो टोटल इनपुट कम्बिनेशन हुआ. तो फॉर एग्जांपल जस्ट टेक एनी वन लाइक 8x1 अगर लिख रहे हैं तो 8 नंबर ऑफ इनपुट कम्बिनेशन एंड 1 आउटपुट कम्बिनेशन इज फॉर दैट. तो दिस इज द होल सिनेरियो वी विल यूज इन द पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर. जब मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करेंगे तो वहां पर योर नंबर ऑफ इनपुट चैनल डिपेंड्स ऑन द सेलेक्ट सिग्नल एंड देयर इज वन इनेबल स्विच ऑल्सो. क्योंकि अगर हमारा जो सर्किट है वो डिजेबल होगा, इनेबल का वैल्यू यानी इनेबल अगर हमारा ऑन होगा तभी ये सारे फंक्शनिंग होंगे, अदरवाइज हमारा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा. तो व्हेन यू डिफाइन दिस मल्टीप्लेक्सर देन यू सी दिस. तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या है, यू कैन मेंशन हियर कि इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है ना. अब जिसके बेसिस पर अगर आप डिफाइन करेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज, ठीक है ना, दैट हैज कितना इनपुट लाइंस है इसमें. इनपुट लाइंस डिपेंड्स ऑन द सेलेक्ट सिग्नल्स. तो हम लोग यहाँ 2n लिख रहे हैं. n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल. तो n 1 है दैट मीन्स सेलेक्ट इनपुट 1 है. अगर 2 है तो सेलेक्ट इनपुट 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है. इसके बेसिस पर तो इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज 2n इनपुट लाइंस. यू कैन से हाउ द इनपुट लाइंस इज डेजिग्नेटेड, 2n इनपुट लाइंस एंड सिंगल आउटपुट, सिंगल आउटपुट लाइन. तो इसलिए यहां देखिए 2x1, 4x1, 8x1 और 16x1 जब लिख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा इनपुट और आउटपुट के केस में लिख रहे हैं तो आउटपुट हमेशा हमारा 1 है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर ऑलवेज प्रोवाइड्स जनरेट्स द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ 1. सो 1 आउटपुट इज देयर, बट इनपुट इज इनपुट कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सेलेक्ट सिग्नल, यानी सेलेक्ट इनपुट के बेसिस पर आपका इनपुट सिग्नल जो है डिपेंड करेगा. तो सिंपली यू कैन से इट इज द मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट. तो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो टर्म्ड एज इट इज अ मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सर्किट. तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी इनपुट एंड मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट सर्किट, ठीक है ना. अब मल्टीपल इनपुट लेंगे और सिंगल आउटपुट आपका सर्किट का होगा. और इसमें जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो आपका इनपुट लाइंस के फॉर्म में रिजर्व स्टोर होगा, जो पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो इंफॉर्मेशन से बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट, ठीक है ना, फ्रॉम द इनपुट लाइंस एंड इनपुट लाइंस एंड डायरेक्टेड टू द आउटपुट लाइंस. आउटपुट लाइंस को डायरेक्टेड होगा इसके बेसिस पर. तो आपका जो नंबर ऑफ आउटपुट चैनल है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लाइंस वन ऑफ दीज
data inputs. You can also say data inputs. One of these data inputs will be connected to the output line. So on the basis of वही चीज यहाँ पर हम लोग discuss किए on the basis of select signal, your number of input channel, यानी कि number of input channel totally depends on the select input select signal. तो जो select signal होगा उसके basis पर वहाँ पर हमारा जो है combination generate होगा. तो encoder और decoder में ये चीज ही केवल आपका नहीं होता है. इनकोडर में या डिकोडर में सेलेक्ट सिग्नल नाम का चीज नहीं होगा. वहां डायरेक्टली हम नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर नंबर ऑफ आउटपुट कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएंगे. ठीक है ना. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर एंड द डिकोडर इनकोडर सर्किट. नाउ अब वेरियस टाइप्स का जो हमारा मल्टीप्लेक्सर बनेगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो है, जैसे अभी अगर हम कोई एग्जाम्पल देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा. स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सिंबल फॉर मक्स इज एज फॉलोज. ठीक है. तो स्टैंडर्ड सिंबल क्या है. तो वी हैव now here in this particular diagram, suppose if we mention here n into 1, n यहाँ पर क्या है आपका number of total number of input. तो अगर हम यहाँ देखें क्योंकि 1 तो आपका हमेशा fix रहेगा यहाँ पर, तो n into 1 max is always produce सिंगल आउटपुट. देर इज सिंगल आउटपुट चैनल एंड एन इज डिपेंड, एन का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा आपका दो तीन फैक्टर पर. फर्स्ट तो है एक की आपका एक इनेबल स्विच होगा. इनेबल अगर ऑन होगा तभी ये सर्किटरी काम करेगा. दूसरा इसमें सर, हाँ सर आई हैव प्रॉब्लम सर. बोलिए सर. सर हियर हाउ आउटपुट इज जनरेटेड सर. व्हेनेवर वी गिव इनपुट 2 4 8 16 बट द आउटपुट रिमेन सेम सर. हाउ सर. हां आ रहा है आ रहा है. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस वन. ओके सर. ये हमको पता नहीं है कि n का वैल्यू कितना है, सेलेक्ट लाइन कितना है. तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो सपोज दिस इज द आउटकम, दिस इज द इनपुट. सपोज डेटा इनपुट जो है वो डिपेंड करेगा सेलेक्ट लाइन पर. अगर सेलेक्ट लाइन अभी हम लोग जो डिस्कस किया, अगर सेलेक्ट लाइन आपका सिंगल है वन है तो नंबर ऑफ इनपुट चैनल आपका दो होगा. तो दो होगा तो उस केस में द मल्टी नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज 2/1. अगर दो होगा सेलेक्ट इनपुट, अगर दो होगा तो आपका नंबर ऑफ इनपुट डेटा इनपुट आपका चार होगा. तो द नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इज 4/1. ठीक है ना. अब यहाँ ये क्वेश्चन आपका है कि आउटपुट आपका एक पर्टिकुलर कैसे प्रोड्यूस होगा. यही ना. यस सर. तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे. ट्रूथ टेबल के लिए वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मल्टीप्लेक्सर का एग्जाम्पल द फॉर्म ऑफ 2/1 मक्स. इफ द 2/1 मक्स अगर हमको डिजाइन करना होगा तो 2/1. हाँ बोलिए सर. मल्टीप्लेक्सर का यूज क्यों किया जाता है. यस सर. यूज क्या है इसका. यूज क्या है. यूज है आपका डेटा सेलेक्टर. ठीक है ना. जितना भी कंट्रोल सिग्नल्स जो आपका जनरेट होता है उसमें नंबर ऑफ चैनल से अगर आपका इनपुट आ रहा है उससे एक कॉम्बिनेशन जनरेट करना,
आप देखते होंगे डिजिटल डिस्प्ले, देखते हैं ना डिजिटल डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले कन्वर्टर, ये सबके रूप में यहाँ मल्टीप्लेक्सर यूज होता है, ठीक है, कन्वर्टर के रूप में भी यूज होता है आपका, डिजिटल डिस्प्ले में डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है, कौन सा डिजिट कब होगा, नाइन डॉट्स को यूज करके भी हम इसको यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर को सर्किटरी के फॉर्म में, ठीक है, तो अलॉट ऑफ यूजेस आर देयर. तो व्हेन वी डिस्कस द 2x1 मल्टीप्लेक्सर, तो अब यहाँ पर क्या है, दो तीन फैक्टर है. सबसे पहला चीज सेलेक्ट लाइंस, वी जस्ट कंसीडर द सेलेक्ट लाइंस बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट, यहाँ 2x1 लिखने का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट, यानी डेटा इनपुट फॉरवर्ड, नंबर ऑफ यू जस्ट मेंशन डेटा इनपुट, टोटल नंबर ऑफ डेटा इनपुट इज नंबर ऑफ डेटा इनपुट इज इक्वल टू 2, और आउटपुट तो 1 ही रहेगा, आउटपुट इज इक्वल टू 1. सेलेक्ट लाइंस इज इक्वल टू हाउ, हाउ वी फाइंड आउट द सेलेक्ट लाइन, बिकॉज डेटा इनपुट इज 2, दैट मीन्स वी ऑलरेडी दैट की सेलेक्ट लाइन इज रिलेटेड विद द पर्टिकुलर डेटा इनपुट, तो डेटा इनपुट अगर 1, 2 है, दैट मीन्स 2 to the power n होगा सर, है ना, and is equal to 1, then it is 2, that means n is equal to what, n is equal to 1 होगा, so n 1 होने का मतलब है कि select line कितना होगा, single select line is there, so select line is single, so single select line, that's why the value of n is 1, therefore the data input is 2 to the power n, that is 2. तो डेटा इनपुट आपका 2 इसलिए है क्योंकि सेलेक्ट लाइन S0 है, इनेबल आपका ऑन है, सपोज इनेबल इज जस्ट फॉर प्लेसिंग, इनेबल का जो है वो एक तरह से इनेबल को हम ऑन या ऑफ करते हैं, तो ऑन के लिए 1 और ऑफ के लिए 0, तो ऑन मोड में ही ये सारी फंक्शनिंग होंगी, अगर ऑफ रहेगा तो इनेबल स्विच अगर ऑफ है तो जस्ट लाइक ए लॉक, तो लॉक अगर कर दिए तो हमारा कोई भी मल्टीप्लेक्सर वर्क नहीं करेगा, तो इनेबल इज जस्ट यूज टू लॉक एंड अनलॉक द पर्टिकुलर सर्किट, तो वंस यू ऑन द पर्टिकुलर इनेबल देन ओनली द पर्टिकुलर सर्किट विल बी वर्क, अदरवाइज इफ इट इज ऑफ देन नो सर्किटरी ऑपरेशन इज गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, तो इनेबल आपको यहाँ पर ऑन है, सेट टू बी 1, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्ट लाइन्स वी हैव डेटा इनपुट 2, output is 1, then on the basis of that we can generate the multiplexer in this particular manner. This is 2x1 mux. Here the input, yani ki enable switch is on, and there is one select signal, this is the select line, and on the basis of this select line we have 2 data input, suppose D0 and D1, these are the 2 data input for 2x1 mux. Now single output channel we have, Y, that is for output. Now equations for Y, you are saying that ki aapka jo S0 hai, ये S0, D1 और D0 को एक्टिव और इनएक्टिव करेगा, तो हमारा जो इक्वेशंस, जो एक्सप्रेशंस बनता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस, वी जस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस आल्सो. तो अब यहाँ पर देखिए, S0 आपका Y इज द आउटपुट, S0 इज द सेलेक्ट लाइन, D0 एंड D1 इज द डिजिट, यानी डिजिट 0, डिजिट 1, एंड इट इज यूज एज ए डेटा इनपुट, 2x1 इज द नेम ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, एंड 1 आउटपुट इज देयर, ये आपको एक तरह से अगर m by n mux बोले तो हियर m इज द इनपुट एंड n इज द आउटपुट, सो व्हेन वी राइट 2 into 1, दैट मीन्स 2 इनपुट इज देयर एंड 1 आउटपुट इज देयर, ठीक है, तो 2 आउटपुट 1 इनपुट, 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट. Now on the basis of that you can generate the logical expression for this multiplexer also.
तो कोई बता सकते हैं व्हाट इज द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर दिस? हम आ रहे हैं आपका आउटकम कैसे जनरेट होता है उस पर. तो लॉजिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू हाउ इट इज कोरिलेट विद द पर्टिकुलर. तो फॉर टेकिंग द लॉजिक एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल में हमारा जो इनपुट है, इनपुट चैनल है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एनीवन सेलेक्ट पर. यस सर, सेलेक्ट पर डिपेंड कर रहा है. वो किस पर डिपेंड कर रहा है? सेलेक्ट लाइन पर. हाँ, तो सेलेक्ट लाइन हमारा जो इनपुट है सिंगल है, तो इनपुट एंड आउटपुट सी. तो जब नॉट गेट हम लोग डिस्कस किए थे तो वहां पर जस्ट रिकॉल दैट वन कि इन नॉट गेट व्हेन द इनपुट इज एस जीरो इज द इनपुट एंड वाई इज योर आउटपुट. तो हियर द वैल्यू ऑफ एस जीरो, अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारा दो है तो वैल्यू ऑफ एस जीरो इज आइदर जीरो एंड वन. यस सर. तो जीरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डी जीरो एंड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिजिट वन. दैट इज द आउटकम. नाउ व्हेन y is d0 and when y is d1, that is your question, because in 2 by 1 multiplexer either the value of y is d0 or d1. So when it is d0, when the select input is 0, and when it is d1, when the select input is 1, because we have single select input, so on the basis of that d0 and d1 is generated for the particular वैल्यू y. ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या होगा, कोई बताएंगे? आपको पता है ना कि जीरो इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट. यस सर, आई आल्सो नो सर. फॉर नॉन कॉम्प्लीमेंट. यस सर. नाउ गिव मी द एक्सप्रेशन, क्या होगा एक्सप्रेशन? Then you will get the answer, whatever you want to ask. आप जो answer question कर रहे थे कि D0 कब D1 कब होगा, you will get your answer. बताइए D0 और D1 आपका input है, इस input को इसके select input से अगर use करते हैं तो ये कैसे use होगा? D0 complement. जीरो कब ऑन होगा? जब आपका एस का वैल्यू क्या होगा? एस जीरो का वैल्यू वन होगा. वन होगा. वन होगा या जीरो जब सर वन. अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल, जस्ट सी द ट्रूथ टेबल. जब एस जीरो जीरो होगा तब सर डी जीरो होगा. अभी बताया ना कि जीरो इज रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉम्प्लीमेंट. तो एस जीरो जब जीरो होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा ना? यस सर, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा सर. ये क्या होगा? एस जीरो बार होगा. यस सर, जीरो बार. हाँ. और एस जीरो का वैल्यू जब वन होगा तो ये नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा. यस सर. तो एस जीरो क्या होगा? एस जीरो ही रहेगा ना? यस सर. ये दो फैक्टर समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. तो डी जीरो, डी जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एस जीरो बार या एस जीरो? एस जीरो बार. हाँ, तो द एक्सप्रेशन फॉर दैट इज डी जीरो डॉट एस जीरो बार प्लस डी वन डॉट एस जीरो. ठीक है ना? तो डी वन डॉट एस जीरो. तो डी जीरो एक डिजिट है और आपका डी वन एक डिजिट है. डी जीरो डॉट एस जीरो बार. अब एस जीरो का वैल्यू या तो जीरो या वन ही होगा ना? यस सर. तो जीरो होगा तो ये डी वन जीरो हो जाएगा ना? यस सर. ये वन हो जाएगा, डी जीरो हो जाएगा ना? ये एस जीरो वन होगा. एस जीरो जब जीरो होगा तो ये वन होगा. तो ये वन होगा तो वन इंटू डी जीरो क्या? डी जीरो हो जाएगा ना? यस सर. यस सर. प्लस जीरो क्या हुआ? डी वन डॉट एस जीरो का वैल्यू तो जीरो है, तो डी वन डॉट एस जीरो क्या हो गया? जीरो हो गया ना? ये व्हेन
we'll get the answer. When S0 is equal to 0, then Y is equal to D0, and when S0 is equal to 1, then Y is equal to D1. Are you getting the answer? Yes, sir. Yes? Yes, sir. So this is for 2x1 multiplexer. तो यहाँ पर S0 और S1 जो हम लोग देख रहे हैं, S0 और S1, अब यहाँ देखिए इक्वेशंस, यानी दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर Y, यानी Y के लिए आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन 2x1 मल्टीप्लेक्सर के लिए यही होगा. तो यहाँ पर आपका जो आउटकम होगा उसको यहाँ लिखेंगे D0 S dot S0 bar plus D1 dot S1 S0, ठीक है ना, D1 dot S0. So this is the expression. Now, sir, when you put the value, yes, निकालना है. हाँ बोलिए. सर यहाँ पे जो result निकालना है वो सर one ही आएगा ना? One ही आएगा मतलब? Result one नहीं आएगा मतलब एक ही result आएगा, या तो zero या तो one. हाँ. Result तो हमेशा एक ही आएगा. Expression आपका ये होगा. लेकिन या तो D0 ऑन होगा या D1, वही तो बता रहे हैं. आउटकम Y का वैल्यू या तो D0 होगा D1 होगा, उस चीज को कैसे होगा यहाँ बताए ना. अभी रोहित बोल रहा है सर कि हमेशा रिजल्ट 1 ही होगा, यानी 1 सर, एक नहीं यानी 1 सर, ओनली 1. कोई दूसरा कोई बोलिए तो क्या बोल रहे हैं वो. सर रोहित बोल रहा है सर हमेशा आंसर वन ही आएगा ना. एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट. क्या बोल रहे थे एक बार फिर से बोली तो. हरिओम, क्या बोल रहे थे. सर रोहित बोल रहा था सर इसका आंसर वन ही होगा ना हमेशा. हाँ आंसर वन ही होगा, नहीं यहाँ पर एक्चुअली ये जो आउटकम है ये यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है डी जीरो डी वन ये किसी पर्टिकुलर डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आउटकम यहाँ पर D0 और D1 हमारा D0 D1 का जो वैल्यू होगा ठीक है ना. तो यहाँ पर एक्चुअली 0 और 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. D0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, D1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब D0 आपका ऑन होगा तो 0 होगा और जब D1 ऑन होगा तो 1 होगा. सर तो उस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सर 1 ही आता है ना. हाँ हाँ 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो है डेटा जो है वो डेटा को हम 0 और 1 के रूप में ट्रीट कर रहे हैं. तो वो तो सर हर बार तो उसी के रूप में ट्रीट होगा ना सर. हर बार 1 कैसे आ रहा है जी. सर अभी यदि D0 0 है. हाँ. और S0 का D0 का कॉम्प्लीमेंट है वो सर S0, मतलब S0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा सर वहाँ पे. हाँ. और 1 into 0 0 1 इंटू डी जीरो, आप इसको पूरा एक वेरिएबल मानिए ठीक है ना. तो वेरिएबल सर वो तो वैल्यू उसमें जीरो ही है ना सर, दो यदि जा रहा है तो इसमें जीरो है, इसमें वन है. मल्टीप्लाई नहीं करिए ना, आपका ये वन हो गया तो डी जीरो ही ना बच गया एक्सप्रेशन में. अगर आप ये डी जीरो ही बच गया सर. ओके सर एक मिनट, डी जीरो को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वेरिएबल से
और यहाँ पर एस जीरो आपका वन हो गया, तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, डी जीरो ही ना रह गया। और उधर से सर फिर प्लस डी जीरो प्लस क्या हो जाएगा उधर, डी वन इंटू एक मिनट। और यहाँ पर आप बोल रहे हैं तो डी वन डॉट एस जीरो, जब आप जीरो लीजिएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। यस सर, ये फिर अब यहाँ पर हम बताने, फिर हमको बताना पड़ेगा आपको, यहाँ आइडेंटिटी लॉ लग रहा है दोनों में, आइडेंटिटी लॉ पढ़े थे ना? यस सर पढ़े थे सर। हाँ तो क्या था, x डॉट वन इज इक्वल टू x, बट x डॉट जीरो इज इक्वल टू व्हाट, जीरो होता था ना? यस सर। तो कैसे बोल रहे हैं कि एक ही होगा, अगर आपका एस जीरो, एस जीरो का वैल्यू वन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी जीरो डॉट जीरो होगा। यस सर। और यहाँ क्या हो जाएगा, डी वन डॉट वन होगा। यस सर। तो इस केस में डी वन होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा सर। डी वन वहाँ पे वेरिएबल ले रहे तो सर ऐसा हो रहा है, यदि एक्चुअली वहाँ पे वैल्यू ले तो क्या होगा सर? एक्चुअली डी जीरो डी वन हम जो है वो वैल्यू के लिए ही ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं दिखा सकते हैं, हम यहाँ पर डी जीरो और डी वन, जीरो और वन के लिए ही रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारा जो इनपुट है जीरो जा रहा है, तो वो डिजिट जीरो यहाँ पर डिजिट के लिए हम यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर हम बताए ना पहले आपको कि ये आपका डिस्प्ले कन्वर्टर वेरियस चैनल के लिए यूज किया जाता है मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना? तो उस केस में ये रिप्रेजेंटेशन डी जीरो किसी डिजिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब एस जीरो आपका जीरो है तब सिनेरियो कुछ और होगा, जब एस जीरो आपका वन होगा तब सिनेरियो कुछ और होगा। तो आपका जब एस जीरो वन होगा तो डिजिट वन, यहाँ समझना ये है कि डिजिट वन ऑन होगा, और जब ये होगा तो डिजिट जीरो ऑन होगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअली आपको यही समझना है अभी, कि जब भी आपका यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपका वैल्यू जब चेंज होगा एस जीरो का वैल्यू जीरो और वन में, तो उस समय कोई पर्टिकुलर डिजिट आपका वर्क कर रहा होगा, ठीक है? यस सर। कांस्टेंट आप जब उसको मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा जीरो और वन, तो फिर वहाँ तो फिर जो है जीरो को और वन को जहाँ जीरो कर दीजिएगा। तो ऐसे भी आप अगर डिजिट जीरो को, डिजिट जीरो को जीरो एज्यूम कर लीजिए, तो जीरो डॉट वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा ना? यस सर। तो फिर ये जीरो एक्चुअली जो यहाँ जीरो हो रहा है वो डिजिट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये समझना है। यहाँ तो जीरो हो ही रहा है, तो आपका ये ऑन हो रहा है। हाँ सर, बाद में भी तो सर हमको प्लस भी तो करना है, यानी कि सर उसमें और लगाना है ना सर, डी, अब जो डी जीरो और डी वन निकला है उसको फिर तो मतलब तो ऐसे और... तुम समझो ना, ऐसे अगर जीरो और वन से ही समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि जब तुम्हारा एस जीरो जीरो हो रहा है, तो उस केस में तुम्हारा जो वाई है, वाई इज इक्वल टू डी जीरो को, मान लो जीरो हो गया, ये भी तो जीरो हुआ, तो ये जीरो हो गया ना फाइनल वाई का वैल्यू, तो ये y का वैल्यू जीरो, मतलब डिजिट जीरो आपका ऑन हो गया इस केस में। और इस केस में जब y का वैल्यू आपका डी जीरो डॉट जीरो जीरो हुआ, और डी वन डॉट वन, तो ये डिजिट वन, वन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट, तो वन इंटू वन वन हुआ, तो यहाँ वन हो गया, यहाँ जब वन को डी वन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज क्लियर? अगर जीरो को ही मान लीजिए, इसको जीरो मान लीजिए, डी जीरो आप जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डी जीरो अगर जीरो मान लेते हैं, तो एस जीरो जब जीरो है तो वाई इक्वल टू जीरो प्लस जीरो किया ना, जीरो प्लस जीरो आपका जीरो हो गया, तो ये जीरो एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिजिट जीरो को ही तो एक्चुअली सर हम सर ये बोल रहे हैं कि सर अभी यहाँ पर भी अगर मान लीजिए डी वन को वन मान के चलते हैं आप, कॉन्स्टेंट ले लीजिए वन, तो जीरो प्लस वन यहाँ वन हुआ, वाई का वैल्यू एक बार जीरो आ रहा है एक बार वन आ रहा है, तो ये वन को हम लोग यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिजिट वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिजिट जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इट इज ओके। यस सर। लगभग सर। तो इसका लॉजिक, लॉजिक सर्किट आपको बनाना होगा, तो वही इक्वेशन यूज करना होगा, लॉजिक सर्किट फॉर टू बाई वन मल्टीप्लेक्सर इज एज फॉलो। टू बाई वन मल्टीप्लेक्सर में अब आपका इक्वेशन क्या था, वाई इज इक्वल टू डी जीरो एस जीरो बार प्लस डी वन एस वन एस जीरो। तो अब डी जीरो एस जीरो है, तो यहाँ पर डी जीरो और डी वन दो तो आपका लाइन होगा ही, यानी एक आप लेंगे डी जीरो और दूसरा
और दूसरा डी वन, और दोनों में एंड गेट है तो एंड गेट तो पहले लेंगे ही, यहाँ पर भी एक, इसके लिए भी एंड गेट, और दोनों एंड गेट से जो रिजल्ट आएगा उसको और गेट से पास करना है, तो फाइनली यू विल गेट y इज इक्वल टू डी जीरो एस जीरो बार प्लस डी वन डॉट एस जीरो एज एन आउटपुट। अब ये पहला जो एंड है इसमें डी जीरो डायरेक्ट जा रहा है तो डी जीरो डायरेक्ट भेजे, और इसमें डी वन डायरेक्ट जा रहा है तो डी वन को डायरेक्ट भेजे। अब एस जीरो आपका एक सेलेक्ट इनपुट है, तो एस जीरो के लिए सेलेक्ट इनपुट के लिए अगर हम यहाँ लें एस जीरो, तो एस जीरो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये हो गया आपका डी जीरो, ये हो गया आपका डी वन, और यहाँ से एस जीरो अगर देखें तो एस जीरो आपका डी वन के साथ एस जीरो डायरेक्ट है, और यहाँ से आपका इसमें नॉट गेट से ये पास होकर जा रहा है, तो ये हो गया आपका डी जीरो एस जीरो बार, और ये हो गया आपका डी वन एस जीरो, जो फाइनली यहाँ ये सर्किट फाइनल किया। तो एस जीरो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द सेलेक्ट इनपुट लाइंस। नाउ यहाँ पर इनेबल भी आप दिखा सकते हैं, अगर इनेबल दिखाना होगा तो एक इनेबल स्विच भी आप लगाएंगे, इनेबल आप दोनों डायग्राम में इनेबल दिखाएंगे, ठीक है। तो इनेबल जो है वो इसको भी इनेबल दिखाएंगे, ये भी आपका इनेबल है और ये भी आपका इनेबल है, तो इनेबल ऑन होगा यानी कि नॉट से नहीं पासा ऑन है तब तो आपका ये सर्किटरी काम करेगा, अगर इनेबल स्विच लेते हैं तो इनेबल एज ए क्लॉक सिग्नल के फॉर्म में यूज होगा। नाउ जनरेट द सेम, एक क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन द 8x1 मक्स मल्टीप्लेक्सर, गिव द ट्रूथ टेबल लॉजिक एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट और डिजाइन दिस वन। 8x1 है तो सेलेक्ट इनपुट आपका 3 होगा, नंबर ऑफ इनपुट रो 8 होगा, डेटा इनपुट 8 होगा D0 टू D7, आउटपुट चैनल 1 होगा। देन फॉर ईच D0 टू D7 जस्ट फाइंड आउट द एक्सप्रेशन y के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, बनाइए इसको। यहाँ पर आपका S0, S1, S2 आप ले सकते हैं, S0, 1, 2, 3 है सेलेक्ट इनपुट, ठीक है ना, डेटा इनपुट D0 टू D7 टोटल 8, आउटपुट आपका Y ही रहेगा, ठीक है। जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो S0, S1, S2 के बेसिस पर बनेगा, तो 3 सेलेक्ट इनपुट है तो जैसे लॉजिक गेट बनाते हैं 3 इनपुट चैनल है, अगर 3 इनपुट है तो टोटल नंबर ऑफ डेटा इनपुट कॉम्बिनेशन यहाँ पर 8 बनेगा, 2 to the power 3, और 8 में जैसे कॉम्बिनेशन S0, S1, S2 का जैसे लेते हैं 3 इनपुट के लिए लॉजिक गेट में, उसी तरह से कॉम्बिनेशन लेंगे, फर्स्ट कॉलम के लिए 4 4 यानी 4 0 4 1, दूसरे के लिए 2 0 2 1 और तीसरे के लिए 0 1 अल्टरनेटिवली, एंड वंस यू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल देन यू कैन फाइनलाइज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर 8x1 मल्टीप्लेक्सर। हाँ, रिजल्ट में जो वहां पे आउटपुट में होगा उसको सर D0 D1 के फॉर्म में लिखना होगा ना सर, D0 D1 कैसे लिखेंगे सर आउटपुट में सर, क्या क्या ट्रूथ टेबल में आउटपुट कैसे लिखेंगे सर? ट्रूथ टेबल तो आपको हमेशा सेलेक्ट इनपुट के बेसिस पर ही बनेगा, अगर सेलेक्ट इनपुट 3 है तो ये आपका इनपुट होगा, यानी इनपुट कॉम्बिनेशन इसी के ऊपर बनेगा,
आउटकम जो वाई जो आउटकम होगा उसमें आपका D0 टू D1 D2 D3 अप टू D7 तक आपका आउटकम जनरेट होगा जो इस कॉम्बिनेशंस के लिए होगा। वही तो सर, S0 से S1 S2 अब ये तीन है तो कॉम्बिनेशन 8 बनेगा, पहला कॉलम दूसरा तीसरा बन जाएगा ना। बना रहे सर ठीक। और ट्रूथ टेबल से ही आपका एक्सप्रेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन भी हम लोग ट्रूथ टेबल से ही बनाए थे। इसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पर D0 को S0 से देखे थे कॉम्बिनेशन और D1 को S0 से। तो जहाँ पर अगेन वहाँ पर भी जहाँ पर 0 होगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एंड 1 होगा वहाँ not complement। अब इसमें क्वेश्चन में आपका जो है सर्किटरी पूछा जा सकता है। सर्किटरी नहीं सर, लॉजिक सिंबल, अरे लॉजिक एक्सप्रेशन सर हो गया सर। लॉजिक एक्सप्रेशन, लॉजिक एक्सप्रेशन हो गया सर। और सर्किट, सर्किट सर लंबा जाएगा नहीं सर, नहीं निकला है सर, तो बहुत लंबा जाएगा सर, छोटा मोटा सर्किट होगा सर। एक्सप्रेशन है सर अच्छा, बहुत लंबा है, दो लाइन का एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है सर, दो लाइन का है सर, उससे क्या दिक्कत है सर। लॉजिक सिंबल भी निकाला है, निकाल रहा सर। लॉजिक सिंबल आप बनाइए, सर्किट तो आप बना सकते हैं, लॉजिक सिंबल में दिखाइएगा तो इसमें भी तो लॉजिक सिंबल भी तो बड़ा ही बनेगा जी, 7-8 डिजिट दिखाना है आपको। यस सर, 8 डिजिट दिखाना है, 3 सेलेक्ट इनपुट दिखाना है, इनेबल दिखाना है, फिर आउटपुट 1 दिखाना है 8x1 में। और जब डी मल्टीप्लेक्सर हम लोग डिस्कस करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा, यानी जो आप इनपुट चैनल में देख रहे हैं वो सारा आपका आउटपुट चैनल का पार्ट हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स समझ लीजिए। तो 8x1 को 1x8 बोलेंगे। तो डी मल्टीप्लेक्सर में सिंगल इनपुट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल आउटपुट चैनल। Now their output channel is represented on the basis of select input. So select input से जैसे यहाँ input designate हो रहा है, demultiplexer में output आपका जो है वो designate होगा select input के basis पर। So it is just opposite of the multiplexer, demultiplexer. So 8x1 हो, 16x1 हो, ठीक है ना? तो इसको आप workout कीजिएगा। Demultiplexer अगर देखा जाए ये हो जाएगा ना सर। हाँ, उसका जो सर एंड गेट से नहीं बनाया और सर उसका एक्सप्रेशन और सिंबल बन गया। देखिए 8x1 है तो आपका सबसे पहले तो इसमें जो इनपुट लेंगे, ट्रुथ टेबल ही मेन है और आउटपुट। तो इनपुट चैनल में आपका जो है
आठ एन गेट ना होगा सर, थ्री होगा। समझ लीजिए ये आपका डिजिट जैसे जैसे ये है आपका जो सिग्नल है ये 4-2-1 पैटर्न के हिसाब से ही आपका ये सिग्नल है। तो 0-0-0 रिप्रेजेंट 0-0-1 0-1-0 0-1-1 एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम 1-1-0-0 1-0-1 1-1-0 1-1-1 तो इट विल रिप्रेजेंट It will represent D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. That means Y is what? For 00, Y is D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. So this is the outcome input. अब इस इनपुट आउटपुट के बेसिस पर आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आप बनाए होंगे। यस सर। लॉजिकल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू अब इसमें पहले ही हम बता दिए हैं 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करना है और 1 को नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जिस लिटरल के लिए 0 है तो D0 के लिए कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा ये। उसी तरह से D2 के लिए S0 S1 केवल होगा और D6 के लिए S2 होगा 0 S1 S2 होगा और D7 के लिए S0 S1, S2, all are non-complement. ये आपका expression हुआ। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 8 AND gate use होगा। समझे? AND gate जो use होगा, उसके लिए आपको again यहाँ पर digit 0 से digit 7 use करना है और S0, S1, S2 ये use करना है। ठीक है? तो उसके basis पर आप यहाँ पर अगर डिजिट को इधर से रिप्रेजेंट करते हैं तो S0, S1, S2 भी आपको रिप्रेजेंट करना है, उसका भी नॉट गेट से और बिना नॉट गेट के भी यूज करना है। सर तो सर्किट बना लेंगे सर। मैं बन जाएगा ना? यस सर, टाइम हो गया सर। सर एक चीज खराब है, कैसे बना वो समझना है। इसके बेसिस पर आप लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सर टाइम हो गया सर। एक्सप्रेशन के बेसिस पर तो बेसिक गेट्स यूज होगा। ठीक है? और उसके बाद
स्टैंडर्ड इसका सिंबल जो होगा, तो इसमें आप सेलेक्ट इनपुट 3 दिखा देंगे और डेटा इनपुट 8 दिखा देंगे D0 से D7 और आउटकम आप Y दिखाएंगे केवल। तो Y का वैल्यू या तो D0 होगा, D1 होगा, D2 कोई एक ही होगा, ठीक है। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे ना, क्या करते हैं, जब इस पर अप्लाई करेंगे S0, S1, S2 का वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। यस सर। हाँ, पिछले क्लास में सर कुछ बनाने दिए थे, हम बनाए थे, पता नहीं सर एक वो गलत लग रहा है। दिखाइए क्या बनाए हैं। दिखा रहे सर। दिखाइए। दिखा रहे सर। सर ये है सर, सर यही है सर। ये आगे नॉट गेट क्यों लगा दिया, बबल लगा देते सर। बबल एक लगाया है सर, बट वहां से एक कॉम्प्लीमेंट आएगा जहां पे जब सर उसको हटाने के लिए सर दूसरा भी तो नॉट होना चाहिए ना सर, दो नॉट मिलके एक। सर यहाँ पे सर एक्सप्रेशन है ना सर, ये सर दो लाना था ना यहाँ पे। आगे आपका कौन गेट है, नॉर और गेट है ना। यस सर, टोटल और गेट है सर, नॉर। तो और गेट, गेट, गेट तो एक और नॉर तो लगाएंगे। यहाँ जो नॉट लगाया ना उसके जगह नॉर लगाइए, नॉट नहीं लगाइए सर। वही तो सर आपको भी लग जाता सर कि नॉट लगाए नॉर ही लगा दे। जो नॉट लगाया है ना उसके जगह नॉट लगाइए, नॉट के चलते आपका बेसिक गेट यूज हो गया सर, बाकी सब ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट के लिए ही बोल रहे हैं। यस सर। सर वही सर हम भी सोच रहे थे सर। ओके सर। लेकिन आपका तो इसमें एक्स ऐसा था इक्वेशन क्या। यस सर, नीचे सर जो डी है ना वो ये था इक्वेशन सर, ये सर इक्वेशन था और एक के लिए ये था सर। ठीक है, तो ये तो इंटरनली आप कर लिए होंगे, इसको ला दिए होंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ही ये काम हो गया आपका ना। यस सर। और ब्रैकेट में आपको खाली चाहिए डबल कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट तो वहां से हो गया आपका जब आप एक नॉर गेट से पास किए, एक और नॉर गेट यहाँ दिखा दीजिए, हो जाएगा सर। ओके सर, एंड नॉट भी सर दिखाएंगे तो हो तो गया, बट वही सर लग रहा था कि बाद में नॉट दिखाना सही है या नहीं। नहीं नहीं, गलत नहीं है, नॉट दिखाइएगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यूजिंग ओनली नॉर गेट से बनाना है तो यहाँ पर नॉट को भी आप नॉर से रिप्लेस कर दीजिए, वही हम कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। और ठीक है, नॉट गेट से भी आपका तो बना है, ठीक है, ये नॉट नॉट को रिप्रेजेंट कर दीजिए नॉर से, तो सिंगल नॉर दोनों जगह यूज कर लीजिए, बाकी आउटकम सही है, सही है। ठीक है, ये ओके सर। नेट से भी बनाए थे सर। हाँ ठीक है, नेट बनाया, सही है। और किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना किसी को। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लेक्स, डी मल्टीप्लेक्सर एंड ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक है, एंड आफ्टर डिस्कशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर डिकोडर एंड इनकोडर इज आल्सो क्लियर टू यू, ठीक है ना, बिकॉज डिकोडर और इनकोडर में आपका जो है सेलेक्ट इनपुट यानी सेलेक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और बाकी चीज रहेगा आपका जैसे मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर में है, यानी केवल डेटा इनपुट और आउटपुट का सिक्वेंस रहेगा,
डिकोडर में, तो डिकोडर के केस में एन नंबर ऑफ इनपुट जनरेट टू टू पावर एन नंबर ऑफ आउटपुट चैनल, तो जैसे इट लुक्स लाइक अ डी मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर जस्ट लाइक अ डी मल्टीप्लेक्सर काम करता है। जैसे वहाँ 1:8 है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ इनपुट अगर हमारा है उसके बेसिस पर आपका आउटपुट चैनल रिप्रेजेंट होगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट हमारा 3 है तो उसके बेसिस पर 8 आपका आउटपुट चैनल रिप्रेजेंट होगा। तो सेलेक्ट को जो है वो नंबर ऑफ इनपुट लाइन में बदल दिया गया डिकोडर में और इनकोडर में। इनकोडर जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि जो आउटकम डिकोडर से जनरेट हुआ उस आउटकम को अगर इनकोडर से पास कर दें तो यू विल गेट द सेम सेट ऑफ इनपुट वैल्यू विच इज यूज्ड इन केस ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर से हम जो आउटकम जनरेट कर रहे हैं अगर रिवर्स फिर उसका इनपुट निकालना होगा तो फिर वी कैन पास दैट आउटपुट चैनल टू द इनकोडर सर्किट। तो इनकोडर सर्किट से यू विल गेट द सेम सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल, वट एवर इनपुट वेरिएबल वी आर यूजिंग इन केस ऑफ डिकोडर। ठीक है सर।